आपको पता है कि ऐसे कौन से शख्स हैं जिनका जहन कैलकुलेटर से भी तेज चलता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका फिंगरप्रिंट हम इंसानों के फिंगरप्रिंट के जैसा होता है? और बारिश के समय आसमान से ओले क्यों गिरते हैं? ऐसा कौन सा जानवर है जिसने जुर्म किया था और वहाँ के गवर्नर ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी? और पतंग आसमान में कैसे उड़ती है? तो आज हम सब अपने इस वीडियो के अंदर अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि कोआला नाम का एक जानवर है जो भालू या पांडा जैसा दिखता है? वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसका जो फिंगरप्रिंट है हम इंसानों के फिंगरप्रिंट के जैसा ही होता है। और क्या आपको पता है कि यह क्राइम मैटर में सबसे चौंका देने वाला मामला हो सकता है? दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक कुत्ते को जेल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अक्सर सुनने में आता है कि इंसान दोषी है, इंसान मर्डर है, सिर्फ और सिर्फ इंसान ही जेल जाता है और ये जो कानून बना है सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के लिए कानून बना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात है अगस्त 12, 1924 की। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर गिफोर्ड पिंचॉर्ट ने पेप ब्लैक लैब्राडोर नाम के एक कुत्ते को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गिफोर्ड पिंचॉर्ट की वाइफ का आरोप था कि इस पेप ने मेरी एक चेरिस्ड कैट की जान ली है, यानी जान से मार दिया है। जो कि आप इस कुत्ते को देख सकते हैं अपने गर्दन में इनमेट नंबर यानी कैदी नंबर C2559 के साथ असाइंड है। और क्या आपको पता है कि गिफोर्ड पिंचॉर्ट ने इस पेप के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि ये जेल में रहेगा और उम्र भर के लिए, और सारे कैदी इसको देखकर एक सबक सीखेंगे कि जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं है बल्कि एक जानवर के लिए भी है। फैक्ट नंबर 13, आपको हमारी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है। एक सूरज का डायग्राम है और एक अर्थ का, मतलब सूरज के सामने अर्थ को रखा गया है और कंपैरिजन किया जा रहा है। अर्थ का जो डायमीटर होता है 12,742 किलोमीटर होता है और जो सन का डायमीटर होता है 13,92,000 किलोमीटर होता है। यानी हम देख रहे हैं कि सूरज हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता कि हमारा दिमाग यानी कि जहन खुद से दर्द महसूस नहीं करता है? क्योंकि हमारे जहन के पास खुद का पेन रिसेप्टर है ही नहीं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि मेघालय में एक नदी है जिसे उमंगोट नदी के नाम से जाना जाता है? यह भारत की सबसे क्लीन नदी है। यह नदी मावल्यानांग गांव के पास है जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव या क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है। गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की साफ सफाई करते हैं। और क्या आपको पता है कि इस नदी में गंदगी फैलाने वाले को 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि जो नोट होते हैं कपास यानी कॉटन के बनते हैं? कपास से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कपास कागज़ से ज़्यादा मजबूत होता है और वो जल्दी फटते नहीं हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप स्पेस पर किसी के सामने खड़े होकर आपके अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी हो उतनी एनर्जी लाकर चिल्लाएं, आपके सामने वाला खड़ा हुआ बंदा वो आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आपकी आवाज़ को उस बंदे तक पहुँचाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8, आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है। इसको देखने के बाद प्रेजेंट टाइम यानी कि आज का माहौल याद आ रहा है क्योंकि जितने फैंस हैं ये जॉर्जिया के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैठकर फुटबॉल टूर्नामेंट देख रहे हैं। ये 1918 यानी कि आज से 102 साल पहले की है। उस वक्त अमेरिका में स्पेनिश फ्लू वायरस फैला था जिसमें 6,72,000 लोग इस वायरस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक को शो कर रहा है। इस वायरस की वजह से पूरे देश में 9,00,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई और ना जाने कितने लोग इस वायरस की चपेट में हैं। फैक्ट नंबर 7, डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। इतना ही नहीं, वह अपनी आँखें बंद करके भी सो सकती है। फैक्ट नंबर 6, किसी पतंग को हवा में उड़ाने की क्षमता उसकी बनावट और उससे अटैच्ड कन्नी की पोजीशन पर डिपेंड करता है। आमतौर पर उड़ाई जाने वाली पतंग
तभी उड़ती है जब उसकी कवर्ड साइड यानी निचले सतह पर हवा का प्रेशर पड़ता है। कन्नी की ऊपर वाली डोरी पतंग को हवा में खींचती है, जिससे पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए पतंग के नीचे वाले हिस्से में हवा के रेस्पेक्ट एक कोण यानी एंगल बन जाता है। पतंग के इस एंगल को एंगल ऑफ अटैक कहते हैं, जो कि ट्रैक्शन पॉइंट यानी कर्सर बिंदु की वजह से क्रिएट होता है। पतंग की बनावट और एंगल ऑफ अटैक यदि दोनों बिल्कुल सही हैं, तो हवा पतंग की कन्नी वाली सतह पर तेजी से टकरा कर पीछे वाली सतह पर भी कुछ प्रेशर क्रिएट करेगी। पतंग के सामने और पीछे वाली सतह के बीच वायु के प्रेशर का जो डिफरेंस रहेगा, पतंग को ऊंचा उठाता है, इसे लिफ्ट कहते हैं। पतंग की निचली सतह पर लगने वाले दबाव से पतंग आगे बढ़ती है, इसे थ्रस्ट कहते हैं। सामने वाली सतह पर पड़ने वाली वायु के प्रेशर को ड्रैग कहते हैं। इस तरह पतंग को हवा में बनाए रखने के लिए लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट और डोरी से बंधे खिंचाव यानी टेंशन और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। यानी पतंग को हवा में उड़ने के लिए चार फोर्स को बैलेंस होना चाहिए, मतलब बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। लिफ्ट जो है वेट को बैलेंस करेगा, थ्रस्ट जो है ड्रैग को बैलेंस करेगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है मेरे पास एक मैजिक फैक्ट है। मैं इस फैक्ट के थ्रू बता सकता हूँ कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है, अपने फैमिली मेंबर में आप अपने जहन में अपने नंबर ऑफ ब्रदर्स मतलब आपके जितने भाई हैं उनको ले लीजिए और दो ऐड करिए, यानी कि दो जोड़ दीजिए और दो जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 2 से गुणा कर दिए। 2 से गुणा करने के बाद यानी मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें +1 ऐड कर दिए, +1 ऐड करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी 5 से गुणा कर दिए और उसके बाद आपके पास जितने भी नंबर ऑफ सिस्टर्स मतलब जितनी भी बहन हैं उनको ऐड करिए, अगर है तो ऐड कर दिए, नहीं है तो मत ऐड करिए। उसके बाद से 25 सबट्रैक्ट कर दिए यानी 25 घटा दीजिए। अब आपके जहन में जो भी आया हो राइट साइड वाली जो डिजिट है वो नंबर ऑफ सिस्टर को शो करेगा और जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है यानी नंबर है वो नंबर ऑफ ब्रदर्स को शो करेगा। आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितने ब्रदर्स और कितने सिस्टर्स यानी आपके पास कितने ब्रदर और सिस्टर हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आपके शरीर यानी कि बॉडी में सबसे ज़्यादा जो बोन्स हड्डियाँ होती हैं वो आपके पैरों में होती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि आप कभी स्टेज पर रो नहीं सकते, क्योंकि आप वहाँ पर रोएंगे तो आपके आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा वहाँ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 2, बारिश के दौरान आसमान पर से वर्षा की बूंदों के साथ साथ छोटे छोटे गोले गिरते हैं, इन गोले को हम हेल स्टॉर्म यानी कि ओले कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी को जमने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए या उससे लो होना चाहिए। जैसा कि हम सब फ्रीजर में देखते हैं कि पानी के छोटे छोटे बूंदे बर्फ के गोले के रूप में जम जाता है, ऐसा ही नेचर में होता है। हम जैसे जैसे समुद्र के किनारे से ऊपर यानी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तब जगह के साथ साथ ही टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसा कि आप समझ सकते हैं कि लोग गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि पहाड़ पर टेम्परेचर कम होता है यानी मैदानी इलाके के कंपैरिजन में। क्या आपको पता है कि बारिश होने के लिए जो नदियों का पानी, तालाबों और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है और यही बादल पानी बरसाते हैं, लेकिन जब आसमान में टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी यानी मॉइस्चर कंडेंस फॉर्म में पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। इन जमी हुई बूंदों पर और पानी जमता जाता है यानी एक वो लेयर बन जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहता है। धीरे धीरे ये बर्फ के गोलों का रूप एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब ये गोले ज़्यादा वजनी हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं, गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं।
लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह नहीं पिघल पाते हैं वे बर्फ के गोलों के रूप में ही धरती पर गिरते हैं, इन्हें हम कोले कहते हैं। और क्या आपको पता है कि अप्रैल 30, 1888 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में ओले गिरने से 246 लोग की डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका मल्टीप्लाई करिए 3552 × 6999, तो आप इसको कैलकुलेटर पे यानी कि खुद से जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, उसको आप लिखेंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर जो है उसका इज इक्वल टू सिंबल आकर तब आपको रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नीलकंठ भानु प्रकाश की, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है इनका जहन कैलकुलेटर से तेज चलता है, जब तक कैलकुलेटर अपना रिजल्ट लाएगा ये इससे पहले ही कैलकुलेट करके बता देते हैं। हाल ही में लंदन में जो है एक कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन का नाम मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, जिसमें 13 देश के लोग आए हुए थे। उन 13 देश के लोगों में से 29 लोगों ने भाग लिया था। उन 29 लोगों में से हमारे देश के जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं मिस्टर नीलकंठ भानु प्रकाश, सबसे पहला रैंक हासिल किया, को एक गोल्ड मेडल मिला। और क्या आपको पता है कि इन्होंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए और 50 लिम का रिकॉर्ड भी ये जीते थे। और क्या आपको पता है कि इनको जो है वर्ल्ड्स ह्यूमन फास्टेस्ट कैलकुलेटर के नाम से नवाजा गया।